नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 के टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जीव जनन कैसे करते हैं। आज के बाद इस चैप्टर की ओर आपको आँख उठाकर भी देखना नहीं पड़ेगा, पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में बता देते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए बिना समय गए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों द्वारा होता है। पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों के द्वारा होता है। जबकि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु बनता है तो शुक्राणु आपके वृषण में बनता है, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नंबर, दूसरा का ए होगा वृषण में। शुक्राणु वृषण में बनता है, मूत्राशय गर्भाशय अंडाशय में नहीं बल्कि वृषण में बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही हर विषय का आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊँगा, बोर्ड परीक्षा के लिए 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कराऊंगा, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो देखिए फूल में नर प्रजनन अंग होता है उसका नाम है पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए होगा पुंकेसर, ठीक है। ये 13 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन 4 नंबर, मानव मादा के जनतंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनतंत्र का भाग नहीं है तो वह आपका शुक्रवाहिक है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्वेश्चन 18 और 16 दो बार लगातार पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आप लोग बोलते हैं ना कि जो क्वेश्चन एक बार पूछ देते हैं वो बोर्ड में नहीं पूछता है, जो क्वेश्चन एक बार पूछ देता है वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके बोर्ड में पूछता है। मान लेते इस बार नहीं पूछा तो अगला बार पूछेगा, अगला बार नहीं पूछा उसका अगला बार पूछेगा, यानी कि यही सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, पराकोष में होते हैं, पराकोष में पराकण पाए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको मिलेगा, पराकण पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके 16, 15, 12 के बाद 2 साल गैप दिया, 15 के बाद 1 साल भी गैप नहीं दिया, 16 में पूछे और आगे और मतलब कि क्वेश्चन ये पूछा है बट यहाँ पर अभी शो नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं इसलिए शो नहीं किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग ट्राकोमोनियसिस है, तो वो क्या है, वो कौन सा रोग कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट बायो के स्टूडेंट है, मतलब अगर आप लोग बायो का स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ जनित रोग है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए भविष्य में आगे चलकर जब आप बड़े बड़े डॉक्टर बनिएगा तो आप लोगों को यहाँ पर ना ये सब क्वेश्चन काम आएंगे, ठीक है, आगे परीक्षा में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर, लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस है। लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस है, ठीक है। तो ये कौन सा रोग हुआ, देखिए 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वायरस जनित रोग होगा, ठीक है, वायरस जनित यह रोग होगा, आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनिए जाने वाले एक सरल यांत्रिक विधि है। देखिए जैसे कि मतलब कि बहुत ऐसे राज्यों में, हमारे भारत के बहुत ऐसे राज्यों में जनसंख्या में वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। जैसे माने तो हमको उत्तर प्रदेश में की गई है, ठीक है, बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या के नियंत्रण पर वृद्धि की गई है। तो जनसंख्या के नियंत्रण के लिए जो स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि है वो क्या है, तो देखिए इसका आंसर होगा 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी होता है, आंसर होगा आपका डी नंबर, कॉपर टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर, इस यह भी मतलब क्वेश्चन उसी पर संबंधित है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्किल विधि, और यहाँ पर सरल विधि का नाम पूछा गया था तो कॉपर टी था, और यहाँ पर सर्किल विधि का नाम पूछा जा रहा है, तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्री नसबंदी, ठीक है। जब मतलब कि सर्किल विधि यही है, ठीक है, नसबंदी करा देना, ठीक है, तो बच्चे वहाँ पर जन्म नहीं ले पाएंगे, ठीक है, बच्चे कोई भी जन्म नहीं ले पाएगा जब स्त्रियों को नसबंदी कर दिया जाएगा, तो ठीक है, आंसर होगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला एक सरल विधि। अब देखिए यहाँ पर पुरुषों के बारे में पूछ दिया, ठीक है, वहाँ पर तो स्त्रियों के बारे में 2 क्वेश्चन पूछा था, बट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल विधि क्या है, तो देखिए 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कंडोम, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा, कंडोम, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर,
ठीक है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। देखिए 11 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। सिफिलिस भी होगा, एड्स भी होगा, गोनोरिया भी होगा, आंसर होगा इसका डी नंबर। इसका भी आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपको बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और साथ में हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे ना तो आपको बोर्ड की तरफ से जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ या फिर जो भी वगैरह न्यूज़ आएगी सबसे पहले हम आपको अपडेट देंगे, ठीक है। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, किस स्थिति में कर्पस ल्यूटियम सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोटोस्टेरोन तथा रिलैक्सिन स्रावित करता है, ठीक है। तो मतलब कि किस स्थिति में, तो यहाँ पर 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अंडाणु के निषेचित होने के बाद ही, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न, यूं ही कहता है भ्रूण का विकास होता है। 13 नंबर प्रश्न कहता है भ्रूण का विकास होता है। देखिए भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं गर्भाशय में होता है। कहाँ पर होता है, गर्भाशय में, आंसर होगा ए नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु निषेचित होता है, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु निषेचित होता है। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका में। कहाँ पर, तो फैलोपियन नलिका में आंसर होगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है जहां शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन योग्य बनते हैं। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, अधिवृषण। उसको क्या बोलते हैं, अधिवृषण हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अधिवृषण बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है, भ्रूण, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, स्वपराकरण किन पौधों में संभव है, पराकरण नहीं बल्कि स्वपराकरण किन पौधों में संभव होता है। तो मैं आपको जहाँ तक बता दूँ इसका आंसर होगा केवल उभलिंगी में ही यह मतलब कि स्वपराकरण पौधे संभव होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल उभलिंगी में, ठीक है। सब लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन का था पराकणों का पराकोष में निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कहते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, जब आप एक क्वेश्चन पढ़े होंगे 5 नंबर का आपको बोर्ड परीक्षा में पूछता जाता है, ऑलरेडी मैंने बता भी दिया है, 2-4 दिन हुआ, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। पुष्पी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। हाँ, यही मैंने क्वेश्चन बताया था, पुष्पी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। उसमें मैंने आपको फिगर के तहत समझाया था, ठीक है। पराकणों का पराकोष से निकलकर पुष्प के ओर तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पराकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराकण बोलते हैं। और पराकोष पाए जाते हैं तो पराकण में पाए जाते हैं। ऑलरेडी आपने क्वेश्चन भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भ्रूकोष एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, भ्रूकोष अवस्थित रहता है। देखिए भ्रूण कोष जो है ना वो कहां पर अवस्थित रहता है, तो आपके बीजांड में अवस्थित रहता है। आंसर होगा सी नंबर, बीजांड में अवस्थित रहता है, ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए मतलब कि सही नहीं है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। युग्मकों का निर्माण करना, यह आपका सही नहीं है, ठीक है। अलैंगिक जनन के लिए, अलैंगिक जनन के लिए बोल रहा है ना, लैंगिक जनन नहीं बल्कि अलैंगिक जनन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका का विभाजन होता है, तो मैं आपको जहां तक बता दूं इसका 21 का आंसर होगा डी नंबर, बी और सी दोनों होगा, ठीक है। समसूत्री कोशिका विभाजन और असमसूत्री कोशिका विभाजन, इसका आंसर होगा डी नंबर, बी और सी दोनों होना चाहिए, ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन, ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है, ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। ये तो क्वेश्चन सबको याद होगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछता है, ठीक है। इसलिए वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, मुकुलन द्वारा।
चलिए अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीव में होने वाले मुकुलन का उदाहरण है, बहुकोशिकीय जीव में होने वाले मुकुलन का उदाहरण क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अभी आप लोगों ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, हाइड्रा होगा, ठीक है, क्या होगा, देखिए मुकुलन बहुकोशिकीय जीव में मुकुलन का उदाहरण है, होने वाले मुकुलन का उदाहरण हाइड्रा होता है। आंसर क्या होगा, डी नंबर हाइड्रा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कवकों में, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कवकों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कैलस, ठीक है, कैलस का निर्माण होता है, ठीक है, इंग्लिश में भी कैलस यहाँ पर लिखा है, कैलस का निर्माण होता है लैंगिक जनन में, बीजाणु जनन में, उत्तक संवर्धन में या फिर मुकुलन में। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तक संवर्धन में, ठीक है, संवर्धन में आंसर होगा डी नंबर, कैलस का निर्माण होता है, तो आंसर होगा आपका डी नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन है, बाह्य दल एवं दलपुंज को कहते हैं, बाह्य दल एवं दलपुंज को मतलब कि कहा जाता है। तो हम आपको बता दें, जो ये जो आपका 26 नंबर प्रश्न है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक अंग कहते हैं, क्या कहते हैं, सहायक अंग कहते हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सहायक अंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए तो आप लोग वीडियो को लाइक किए हैं कि नहीं किए, अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, एक लाइक ज़रूर करिए, ठीक है आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, थैंक यू। और इसी तरह से ही आगे चलकर अगर बायो से पढ़ाई करते हैं और या फिर बायो से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आगे चलकर बड़े से बड़े डॉक्टर बनिएगा, मुफ्त में सभी को इलाज करिएगा, बट हमको ज़रूर इलाज करिएगा मुफ्त में, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर, पुष्प के नर भाग को कहते हैं, देखिए पुष्प के नर भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पुमंग बोलते हैं, ठीक है, पुमंग, ठीक है, वो ये नया वर्ड है, ठीक है, पुमंग उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में मादा भाग को कहते हैं, पौधों के मादा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, आंसर होगा ए नंबर, जायांग बोलते हैं, ठीक है, पौधों के मादा भाग को जायांग बोलते हैं। अंडाशय के भीतर पाया जाता है, ये जो अंडाशय के भीतर होता है, तो अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है, तो मैं आपको जहां तक बता दूं इसका आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा, बीजाणु, मुझे जहां तक पता है इसका आंसर होगा बीजाणु, ठीक है, बट नहीं सही है, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। बहुत लोग इसका आंसर डी नंबर दे रहे हैं, लेकिन अंडाशय के भीतर तो केवल बीजाणु ना पाया जाए, वर्तिकाग्र थोड़ी ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नर युग्मक कहलाते हैं अंडारू या फिर पिडपिंड, ये तो बी नंबर तो होगा नहीं, वृषण शुक्राणु, तो हमको शुक्राणु तो नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर 30 का हमको लगता है नर युग्मक, अच्छा सही है, 30 का आंसर डी ही नंबर होगा, शुक्राणु, ठीक है। नर युग्मक क्या कहलाते हैं, शुक्राणु कहलाते हैं, ओ मादा युग्मक वृषण कहलाते हैं, नर युग्मक तो शुक्राणु ही कहलाएंगे। चलिए वेरी गुड, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 31 नंबर, पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है, पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है, ठीक है। तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीसन कहलाता है, ठीक है। और मैथुन अंग कौन कहलाता है, और इसके बारे में थोड़ा अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर दीजिएगा, जो भी बंदा चर्चा करेगा देखेंगे कोई किसके बंदे के पास थोड़ा दिमाग है कि कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है, चैटिंग में नहीं, लाइव चैटिंग में नहीं, बल्कि वीडियो समाप्त होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमको 32 नंबर, पुरुष के शीर्षण का शिखर भाग कहलाता है। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हार्मोन कहलाता है, हाइमेन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर, इनमें से कौन स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय यानी कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, हाइमेन, ये भी आपका हाइमेन ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्त्रियों का मासिक चक्र के एक परिपक्व अंडारु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन या फिर 30वें दिन। तो जहाँ तक हमको लगता है यहाँ पर ये जो 34 नंबर क्वेश्चन है, हमको लगता है इसका आंसर बी नंबर का 14वें दिन, हाँ शायद 14वें दिन होगा, ठीक है। बट इसका आंसर अगर गलत भी होगा ना तो आप कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हमें मतलब कि मैं बार अच्छे से पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़ा हूँ अच्छे से पढ़ा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर प्रश्न, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 35 का आंसर होगा बौनापन बोलते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइए, ये मैंने आपको ना
ऐसा कोई भी वीडियो नहीं होगा जहां पर मैं साइंस का क्वेश्चन बताऊं और इसका आंसर नहीं बताऊं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के स्थानांतरण को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक माने बल्कि हज़ारों बार बताया था, ठीक है। आइए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको हज़ारों बार बताया था। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मतलब कि हज़ारों बार मैंने इस क्वेश्चन को बताया था आपके सामने, किसका आंसर आप लोग याद रखना, एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है, ठीक है। तो सब किसी को पता है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, 18 15 12 में पूछा गया। तो ये भी तो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अभी आपको तो बताया ही था, अभी मैंने जस्ट इसका आंसर बताया था ना ईस्ट में, तो इसका आंसर आप लोग याद रखोगे ना ईस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो 38 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा, 38 नंबर ना है, 38 का आंसर होगा ईस्ट में। अरे गजब का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए द्विखंडन होता है, देखिए द्विखंडन जो होता है ना 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा में होता है, ठीक है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के स्थानांतरण को क्या बोलते हैं, अभी वहाँ पर एक और क्वेश्चन आया था, ठीक है, जहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में था इनमें से कोई नहीं, तो मैंने बोला था कि इसका आंसर आप लोगों को पता है और इसका आंसर कमेंट करके बता देना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा था ना। देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग इसलिए छोड़ा था ना क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जिस जो आंसर होना चाहिए वो आंसर में नहीं दिया, इसलिए मैंने आंसर आप लोग से छोड़ा था कि आप लोग का दिमाग कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन यानी कि संलग्न को हम लोग क्या बोलते हैं। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग, संयोजन से बनता है। अरे ये क्वेश्चन थोड़ा हट के कह रहा है, मेरे को पढ़ने में कन्फ्यूज हो गया। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा बल्कि क्वेश्चन पूछा नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो जायगोट से बनता है, ठीक है, जायगोट संयोजन से बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता है, ये तो पता है ना आपको, ये पता है ना फेलोपियन नलिका से अंडाणु निषेचित होता है। तो 41 का आंसर क्या होगा सबको पता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस प्रकार जनन में जनक के शरीर से नलिका निकलती है, ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पता है बट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मुकुलन से, ठीक है, आंसर होगा ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, तो और 44 का आंसर होगा सी नंबर, बीजावरण बनाती है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शुक्रवाही का, ठीक है। अब देखिए और दो चार क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए। अब देखिए पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, ये क्वेश्चन 18 में पूछा जा चुका है, ठीक है। पुंकेसर के अग्रभाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पराकोष बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो पुष्पी पाद एवं जंतुओं में होती है, ठीक है, आंसर होगा सी नंबर। जबकि अंतिम प्रश्न है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, तो 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फल बनाती है, क्या होगा, फल बनाती है। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मेरे से बन पाया मैंने सब आपको बता दिया, तो आप लोगों को मैं और मतलब कि चैप्टर का जो भी छूटा है उसको मैं बता दूंगा, बट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप जो कहें जो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा कि सर मुझे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को चाहिए या फिर मुझे इस विषय का चाहिए, मैं आपको सब विषय का दूंगा अलग अलग टाइम निकाल कर, बट आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी तो मैं देखूंगा कि आपको किस विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, कैसे चाहिए, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, जो भी आप लोगों को मटेरियल चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी आपका कमजोरी है वो भी बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर मतलब कि हमेशा फ्री रहता हूँ, बट शाम के समय में बिजी रहता हूँ क्योंकि क्वेश्चन सेट करता हूँ, और सुबह और दोपहर के दिन में आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो को नहीं देख पाते हो सुबह में तो कभी भी आइएगा तो मोबाइल ओपन करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आप सभी बहुत ही अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर बड़े बड़े डॉक्टर बनिएगा, ठीक है।